बिहार का प्रसिद्ध देवस्थल बाबा हरिहरनाथ की नगरी सोनपुर आने पर आपको ऐसा एहसास होगा कि आप दक्षिण भारत में आ गए हैं। जी हां, नौलखा मंदिर सोनपुर के अंदर दक्षिण भारत में होने पर यह एहसास दिलाता है। यह मंदिर को स्थानीय भाषा में नौलखा मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन यह नौलखा मंदिर नहीं बल्कि गजेंद्र मोक्ष धाम है। इस मंदिर की वास्तु कला पूरी तरह से दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह ही दिखता है। सोनपुर में ऐतिहासिक पवित्र गंगा नदी और गंडक के संगम पर गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर की स्थापना 31 जनवरी 1999 को हुआ था। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 108 उत्तर भारत पुजारी और 108 दक्षिण भारत के पुजारियों ने भाग लिया था। यह देवा स्थानम अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। पवित्र पावनी गंगा और गंडक के संगम पर स्थित यह मंदिर अपने आप में अनूठा है। मंदिर गंडक नदी के किनारे पर बना हुआ है, जिसका परिसर काफ़ी बड़ा है। यहाँ दूर दूर से आए तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। यह स्थान गजेंद्र मुक्त या गजेंद्र मोक्ष देवा स्थानम के नाम से प्रसिद्ध है। परमपिता परमात्मा श्रीहरि ने गजेंद्र को यहाँ ग्रह की चुंगुल से मुक्त कराया था, इसलिए इस स्थान को गजेंद्र मोक्ष धाम के स्थानम के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना 31 जनवरी 1999 को हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव विश्ववंद्य महाजोगिराज श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विशेष करके दक्षिण भारतीय विद्वान आए थे। और यह मंदिर गजेंद्र मोक्ष देवस्थानम के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे इस क्षेत्र में इसको नौलखा मंदिर भी कहते हैं, लेकिन नौलखा मंदिर नाम मेरा रखा हुआ नहीं है। यह मंदिर का नाम गजेंद्र मोक्ष देवस्थानम है। इस देवस्थानम में द्रविड़ पद्धति से पूजा पाठ होता है और प्रत्यक्ष भगवान यहाँ जिन लोगों की मनोकामनाएं होती है वो मन्नत मान करके जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरा होती है तो पुनः आते हैं। भगवान गजेंद्र मोक्ष का 6 बार भोग लगता है। प्रातः 5 बजे मंगला आरती, 9 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे भोग आरती, 12 बजे पट बंद हो जाता है, शयन में चले जाते हैं भगवान। पुनः 4 बजे उत्थापन होता है और 5:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, 9 बजे भोग आरती, उसके बाद पट बंद हो जाता है, रात्रि शयन हो जाता है भगवान का। यह मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक काल का है। गजेंद्र मोक्ष हरिहर क्षेत्र में भगवान गजेंद्र मोक्ष का अवतार हुआ। क्षेत्र बरे हरिहर रमणीय तीर्थ नारायणी सुरसरी खलु संग मित्रा भक्तार्ति नाशन करो घृत शंख चक्र देवम गजेंद्र वरदम शरणम प्रपद्ये गंगा गंडकोर मध्ये क्षत्रम हरियराविधम तत्र स्नात्वा च पित्वा च पुनर्जन्म विद्यते। यहाँ गंडकी और नारायणी का जो स्नान करता है भगवान गजेंद्र मोक्ष का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ तुलसी अर्चना प्रधान है। तुलसी से 108 तुलसी 1008 नामों से भगवान विष्णु के जो 1008 नाम हैं उन नामों से यहाँ अर्चना होता है। और अर्चना जिस मनोकामना से कराएंगे वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नौलखा मंदिर से नौलखा मंदिर हम नहीं बोलते हैं इसको, लोग क्षेत्रीय लोग नौलखा नाम रख दिए हैं। कुछ कारण कभी रहा होगा, कोई इसका कहानी? कोई कहानी नहीं है। इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष देवस्थानम।